शाह ने जिस तरह से वहां पर कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बैकवर्ड क्लास का ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो ये जो समीकरण बीजेपी ने वहां पर तैयार किए हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर, हमें याद रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को पहली बार जो तेलंगाना में जन समर्थन मिला था, 19-20% लगभग बीजेपी का वोट शेयर था। अगर बीजेपी ने 20% वोट शेयर करके 4 सीटें जीती थी तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की दखल तेलंगाना के हर लगभग इलाकों में है। जो आप तेलंगाना का जो इस तरह से हमेशा वो पिछड़े की बात जब आप कहते हैं तो एक पिछड़ा समुदाय के साथ साथ तेलंगाना काफी पिछड़ा भी हुआ था। आंध्र प्रदेश के साथ में जब इसका आप कह सकते हैं कि डिवीजन को लेके सबसे बड़ा जो ये था वहाँ पे तेलंगाना में जो 3-4 दशक तक चला था, उसके पीछे कारण यही थी कि उन लोगों ने कहा था कि भाई तेलंगाना के जो रीजन है और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश के जो रीजन है रायसल में और बाकी बॉर्डर के इलाके में, वो जितना संपन्न हुआ है इस दौर में उतना तेलंगाना नहीं हुआ है। तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि जब अमित शाह इस बात को लॉजिक देते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा है कि इन पिछड़े इलाकों का नेतृत्व चाहिए जो इस बात को समझता हो, जिसका ग्राउंड कनेक्ट हो, और इसलिए उन्होंने शायद तर्क में अपने को बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर के लिए बात कही होगी। तो वो बैकवर्ड एरिया है जहाँ के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनके यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मौजूद नहीं हो पाया है, उनके यहाँ बेसिक जो सहूलियतें हैं वो नहीं पहुँच पाई है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन मिले तो ये डेवलपमेंट का जो ये सिलसिला है वो चारों दिशाओं में हो, तेलंगाना के हर इलाकों में हो। तो ये चीजें बताने के लिए उनका ये जो एजेंडा है और उनका जो इस तरह का ऐलान है, शायद जनता में इसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जो आपने अभी तक जितनी रैलियां हुई है पीएम ने पिछले 3 दिनों में आपने देखा कम से कम 10 रैलियां अभी तक किए हैं और बड़ी बड़ी रैलियां किए हैं, और उस रैलियों में जो आपने जन समर्थन देखा है तो डिफरेंटली आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो 20% वोट है जो 2019 के उसमें आप टैली में देखेंगे तो वो शेयर इस बार लगता है कि वो शेयर बढ़ा सकते हैं। लेकिन असेंबली चुनाव में अगर ये 20% शेयर भी एक कायम रहा 2023 में तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी सीटें और बहुत बड़ी मार्जिन से जीत जाने की स्थिति में होगी। तो इस स्थिति में जो त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ कुछ भी होने के लिए हो सकता है, और यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि लोगों का जो जनसमूह का जो भी आप देख रहे हैं उनके मन में एजेंडा क्या चल रहा है। चंद्रशेखर बिल्कुल, विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम ये सीधे दृश्य हैदराबाद से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर लोग वहाँ पर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं, और इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज महबूबाबाद और करीमनगर में जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री तिरुपति जो मंदिर है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में वहां पर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए, वैदिक विधि और परंपरागत रूप से वहां पर पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री इस वक्त हैदराबाद में ये रोड शो कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, संघर्ष एक तरह से त्रिकोणीय है, कांग्रेस है और उसके अलावा टीआरएस जो अब बीआरएस हो चुकी है वो है, भारतीय जनता पार्टी है, इस सब के बीच जो तेलंगाना में पिछले लंबे समय से जिन मुद्दों को हम देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, परिवारवाद के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे जनता के सामने कितने वहाँ पर असरकारी मुद्दे हैं जिनको भाजपा बार बार उठा भी रही है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि सारी पार्टियां, जैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है कि अगर तेलंगाना में किसानों को लेके जो सबसे बड़ा उनका स्कीम है केसीआर का, अगर इसके बावजूद भी तेलंगाना में 8,000 का लगभग वो डाटा देते हैं कि इतने दिनों में इतने किसानों ने आत्महत्याएं की है, तो अगर किसानों की आत्महत्याएं तेलंगाना में हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधी ऐसा कहा जा सकता है कि जो पैसा एक लाभार्थी को जाना चाहिए था, हितधारक को जाना चाहिए था एक्चुअल, वो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि किसान को जिस बात को लेकर आज भी आपने देखे हैं कि चुनाव आयोग ने आज जो पैसा वो रिलीज करने वाले थे उनको बैन किया था,
तो आप जब हर चीज को इलेक्शन से जोड़ेंगे जिसमें समाज कल्याण में आपकी भूमिका जो सही मायने में हितधारक हो सकते हैं, सही मायने में जो लाभार्थी हो सकते हैं वहां अगर पहुंचाने के बजाय आप अगर सिर्फ इसको इलेक्शन एजेंडा बनाएंगे तो डेफिनेटली आप पे इस तरह के चार्ज आएंगे। जो चार्ज तेलंगाना में दलित बंधु योजना के रूप में लगा हो या किसानों के आत्महत्या के रूप में लगा हो, पेपर लीक के मामले में लगा हो, कई बार तो पार्टी महालक्ष्मी योजना उनका बैंक खातों में जो जमा होता था पैसा उस पे कई योजनाओं पे कांग्रेस का भी टारगेट है, बीजेपी भी टारगेट है। तो ये इस तरह की चीजें को देखते देखते जब हम देखते हैं कि अब आप आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली में जब आप देखते हैं कि यहाँ पे शराब घोटाला है तो वहाँ भी ये जो साउथ कैंप है उसमें कैसे ये पैसा और किस तरह का डील पहुँचता है, तो इस तरह के बहुत सारे आरोप है। ये आरोप है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ ये आरोप है, और ये आरोप इसलिए भी लगते रहते हैं जब आप इन चीजों को फेयरली जनता के सामने में काम करते हुए नहीं दिखते हैं या जिसको जिन लोगों के पास में पहुंचना चाहिए था वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो इस तरह के आरोप लगते हैं। जब आप इन तरह के इंश्योर करते हैं, इसी तरह के फ्लैगशिप स्कीम अगर मोदी सरकार में है और ये 13-14 स्कीम में आप देखिए कि जो पैसा लोगों में जाना है अगर एक्चुअल उसके खाते में पहुंचता है, 12 करोड़ शौचालय बनने हैं तो 12 करोड़ शौचालय बने हैं। तो ये इस तरह की चीजें जैसे उज्ज्वला स्कीम देखिए या जितनी भी स्कीम है, अगर वो स्कीम सीधे सीधे हितधारक जो है, जो लाभार्थी एक्चुअल है उनके पास जाता है तो शायद करप्शन की ऐसी कोई चीजें खबर और इस तरह की बड़े एजेंडे शायद किसी भी पक्ष की पार्टियों में नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के इतने फ्लैगशिप स्कीम के बारे में कुछ आरोप लेके आए और कुछ लेके आए। लेकिन जब ये तेलंगाना में आप देखते हैं इस तरह की चीजें आरोप लगती है या आरोप लगाए जाते हैं। थोड़ी देर आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो वहाँ पर ग्राउंड जीरो में वहाँ पर मौजूद हैं। उर्मिलेश, हम दृश्यों में देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह वहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है, आप जहाँ पर मौजूद हैं क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरह का उत्साह है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री का काफिला आप देख रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो सड़क में जो दोनों तरफ आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे विजुअल आप जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो सड़क के दोनों तरफ जो है यहाँ पर जबरदस्त भीड़ उतरी है सड़क